हाय नेहा, हाउ आर यू आफ्टर लॉन्ग टाइम? क्या कहना चाहेंगे एक्टिंग की जर्नी के बारे में? हम तो आपके एक्टिंग देख चुके हैं रिसेंटली, ध्रुव तारा, इतना फेमस रहा है आपका टीवी सीरियल, काफ़ी लोगों ने भी पसंद किया है और लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस भी आपने ग्रैब किया है आपके कैरेक्टर से, क्योंकि एक कैरेक्टर निभाना काफ़ी आसान होता है, बट डिफरेंट शेड्स ऑफ कैरेक्टर टू मेंटेन इन द शो, इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आपसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि आपने ये जो एक्टिंग का जो आपका करियर है, आपने किस तरीके से शुरुआत किया? बचपन से ही था या कुछ अलग अचानक से ये कुछ प्लान हुआ? कुछ बताइए हमें। ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं छोटी थी, स्कूल जाती थी। आई रिमेम्बर मेरी छोटी बहन जो अमी है, इट ऑल स्टार्टेड वहाँ से। मम्मा यूज़ टू टेक हर फॉर ऑडिशन। शी वॉज़ अ वेरी क्यूट चबी किड, तो उसके थ्रू आई स्टार्टेड सॉरी मैंने स्टार्ट किया कि मैं ऑडिशंस देना स्टार्ट करूँ। और मैंने फिर तभी वो टाइम पे, स्कूल के टाइम पे, आई ओनली डू डिड डिजिटल एड्स या कमर्शियल एड्स ही मैंने किए थे। मैंने ज़्यादातर डेली सोप में मैंने कभी सोचा नहीं था कि आई विल गेट इन टू इट। और प्रॉपर इन टू दिस फील्ड मैं लास्ट 2 ईयर से कर रही हूँ, दिस इज़ माई थर्ड ईयर। एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं फुल टाइम एक्टिंग करूँगी या करना चाहती हूँ, बिकॉज़ ज़्यादातर मैंने, आई वॉज गुड इन एकेडमिक्स, सो मैंने पढ़ाई में ज़्यादा स्कोरिंग किया, या आई वॉज़ इन टू स्टडीज़। आई डिड माई कॉमर्स फ्रॉम मीठीबाई। एंड उसके बाद कोविड हो गया, एंड कोविड के टाइम पे आई वॉज थिंकिंग कि मैं कौन सा कोर्स लूँ स्टडीज़ के लिए, फर्दर स्टडीज़ के लिए। तो आई टुक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट अगेन ऑनलाइन आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, तो मैंने ऑफलाइन पढ़ने के लिए वेट किया। और उस वेटिंग के दौरान ही आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस फॉर डेली शो। तो सीरियल्स और शो के लिए ऑडिशन देने लगी, और धीरे धीरे आई स्टार्टेड गिविंग ऑडिशन, देन आई स्टार्ट गेटिंग वर्क ऑल्सो। तो मुझे काम मिलने लगा, फिर क्या कहते, सोचा नहीं था पर हो गया। और अब जब कर रही हूँ बहुत पसंद आ रहा है। सो आई वॉन्ट कि मैं ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँ और ऐसे ही काम करती रहूँ जो मुझे पसंद है, बिकॉज़ मैं 100% देना चाहती हूँ इस फील्ड में अब, और मुझे बहुत पसंद है यहाँ काम करना। जैसे कि आपने कहा कोविड के बाद से सडन चेंज आया लाइफ में, तो ध्रुव तारा जो सीरियल है, जब फर्स्ट टाइम आपको अप्रोच हुआ, एक होता है ना कि हम एक्टिंग करते हैं तो हमें इस कैरेक्टर में ज़्यादा हम कर सकते हैं, हमारा कोई फेवरेट कैरेक्टर होता है, तो आपके कैरेक्टर के बारे में बताइए कि आपने उस तरीके को बखूबी निभाया है, नो डाउट हमने देखा भी है, बट कैसा लगा? अभी ओवरऑल सब हो चुका है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा सेट पे? कौन अच्छे आपके दोस्त बने? कितना कुछ किससे क्या क्या सीखने मिला? सेट का माहौल कैसा था हमें बताइए। जब मैंने ध्रुव तारा का ऑडिशन दिया था, सो वो आफ्टर माई राजमहल शो, मैंने ध्रुव तारा के लिए भी ऑडिशन दिया था। आई वॉज़ लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं लीड करूँ, बट देन आई वॉज़ लाइक कि ठीक है, आई शुड नॉट से नो, मुझे ना नहीं बोलना चाहिए जो भी काम आ रहा है। और मैंने सचिन सुमित तो और सब टीवी से कभी काम नहीं किया था के साथ, सो मैंने सोचा कि इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, काम करूँगी, ऑडियंस नहीं बनेगी, लोग देखेंगे, पसंद करेंगे, आई विल गेट वर्क धीरे धीरे। और ये वाला थोड़ा कैरेक्टर डिफिकल्ट था बिकॉज इट वॉज़ नेगेटिव, सो नेगेटिव के लिए तो आई वॉज़ वरिड, क्योंकि मैंने अब तक जो भी कैरेक्टर प्ले किए हैं वो सब पॉजिटिव और कह सकते हैं डिफरेंट थे फ्रॉम वन अनदर। तो इट वॉज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी, क्योंकि वो नेगेटिव, मुझे उन्होंने बताया था कि मुझे नेगेटिव वो दिखाना भी नहीं है इतना कि मैं ऐसे चंट हूँ, पर मेरी हरकतें वैसी है। सो वो एक फेस पे लाना या मेरी बातों पर लाना, वो बहुत डिफ़िकल्ट था। और ऊपर से वो पीरियोडिक ड्रामा था, तो हिंदी तो बट इट वॉज़ अ गुड जर्नी ओवरऑल ध्रुव तारा में, बिकॉज़ बहुत लोगों को मिलने, मतलब बहुत सारे एक्सपीरियंस लोगों के साथ मैंने वर्क किया। नारायणी शास्त्री बोलो, कृष्ण भारद्वाज का हो, सेनापति सिंह जो थे, विनीत चौधरी, राइट, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। लवली कास्ट आइट से बहुत मज़ा आया इन सब के साथ काम करने में, और सीखने भी बहुत मिला। बहुत करेक्शन, ऑटो करेक्शन मेरे हुए जो मैं बोलती हूँ डिक्शन में और सब चीज़ों में। एंड इवन रिया इज़ वेरी स्वीट, आई लाइक वर्क विथ हर ऑल्सो, सो शी इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइंड नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आईड से कि थोड़ा डिफरेंट था दिस कैरेक्टर फॉर मी ओवरऑल, इतने टाइम से जो 2 साल मैंने काम किया ये थोड़ा डिफरेंट था, क्योंकि इसमें एक कह
कह सकते हैं ना, इतने वेरिएशंस इन दिस 3 मंथ्स आई गेव, वो पूरे शो में भी मुझे कम देने मिलते थे बिकॉज वो पॉजिटिव कैरेक्टर था. एंड आई फील कि जो नेगेटिव कैरेक्टर होता है उसे बहुत प्ले करने या बहुत वेरिएशंस देने मिलते हैं, क्योंकि वो पॉजिटिव से नेगेटिव हुई, फिर वो प्यार में भी है, पति को झूठ भी बोल रही है और फैमिली को भी संभाल रही है, मैनिपुलेट कर रही है सबको. तो वो सब चीज़ें एक दिखाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था मेरे लिए, बट द टीम वॉज सो काइंड एंड सो नाइस कि सबने मेरी बहुत मदद की. बेसिकली इट्स अ ग्रे शेड्स. ओवरऑल आपने नेगेटिव कैरेक्टर अपनाया है, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करना इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. पॉजिटिव तो आप कर ही लेंगे, राइट right. कोई भी अवतार में आपको दिया जाए, कोई भी रोल या कैरेक्टर दिया जाए, बट नेगेटिव एक ऐसा चीज़ है, इसमें आप डिफरेंट वेरिएशंस क्रिएट करते हैं. तो इस कैरेक्टर में मतलब आपने क्या सीखा इस कैरेक्टर से? इसमें कह सकते हैं मैंने, एक तो जो चेंज ओवर जो एक वर्ड था, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग जो डायरेक्टर कह रहे थे कि चेंज ओवर लाओ. अब मैं क्या कर रही थी, आई रिमेम्बर मेरा जो फर्स्ट टाइम जो रिवील हो रहा था नेगेटिव में, उसमें मैंने चेंज ओवर मैं ना लाइन्स के साथ साथ दे रही थी. लाइक मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ या जो नेगेटिव लाइन्स भी बोल रही हूँ उसमें भी मैंने रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया, विच वॉज रॉन्ग. द डायरेक्टर देन लेटर ऑन टोल्ड मी एंड एक्सप्लेन मी बैठ के कि चेंज ओवर मतलब जब तुम स्टेटमेंट पूरा बोल रहे हो उसके बाद तुम रिएक्शन दो. जो 1-2 सेकंड का तुम पॉज ले रहे हो जब सामने वाला लुक अवे कर रहा है या कहीं और देखकर बात कर रहा है, जो भी है, तुम्हारा चेंज ओवर तब आना चाहिए, ना कि तब जब तुम बात कर रही हो या बोल रही हो. सो वो एक चीज़ मुझे हुई कि ये एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझी और सीखी, आई कैन से, जो टेलीकास्ट हो रही थी एट द एंड ऑफ द डे. एंड हिंदी के बहुत सारे वर्ड्स सीखने मिले एज आई सेड. तो हर टाइम आई हैव अ डायरी वेर एन आई राइट ऑल द स्ट्रॉन्ग हिंदी वर्ड्स कि कल सुबह कभी भी हो तो आई कैन रिवाइज देम और मैं अच्छा कर सकूँ दूसरे शो या दूसरे कैरेक्टर के लिए. सो मेरे मेरा होमवर्क चलते रहता है कि मैं सही बोलूँ. अभी भी मैं हिंदी काका की इधर उधर हो ही जाता है. सो आई ट्राई कि एवरी टाइम आई डू बेटर एंड आई थिंक आई विल. सो आजकल OTT प्लेटफॉर्म्स काफ़ी चल रहे हैं, सो इज़ देर एनी प्लान फॉर वर्किंग विद OTT प्लेटफॉर्म्स और एनी स्टोरी और डॉक्यूमेंट्री, इज़ देर एनी प्लान फॉर योर? डेफिनेटली वेर एवर आई गेट अपॉर्चुनिटी आई वुड लाइक टू वर्क एंड विथ हुएवर आई कैन आई विल. इट्स जस्ट कि वेर एवर आई बी कम्फर्टेबल आई कैन से, जहाँ मेरा कम्फर्ट होगा, जहाँ मैं कम्फर्टेबल होगी, आई एम इन फॉर इट. I can work with any channel, any media, I'm fine with it. Okay. Bollywood आजकल काफ़ी hype में है, back to back movies आ रहे हैं, cinema में लोग जा रहे हैं. तो एक होता है हमारा dream कि ये actor हो या ये actress हो या ये director हो, इनके साथ काम करना हमारा एक dream होता है. Absolutely. आपका क्या dream है और आप किससे inspire होते हैं? I think I would want to work with Sanjay Leela Bhansali. आई कैन सी, क्योंकि मे बी लास्ट जो मैंने 2-3 शोज़ किए हैं वो सब थोड़े हिस्टोरिकल पीरियडिक ड्रामा एंड रिसेंटली ही हैज़ लॉन्च रियली लाइक गुड मूवीज़ पीरियडिक ड्रामा में. सो मे बी टू बी वन ऑफ देम और मे बी जस्ट गेटिंग अ स्मॉल रोल ऑल्सो वुड बी अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. आई कैन से आई विल बी लर्निंग अ लॉट. और इंस्पायर्ड होना तो आई थिंक सिंस चाइल्डहुड आई लव ऐश्वर्या राय, सो आई डू लुक upon her and I try, you know, no, I won't say ki I'll copy her, but I don't know, I just love her, I idolize her. So somewhere I adore her and I would want to be like something uske aas paas.